उज्जैन शहर के कई क्षेत्रों में बिजली के बिल में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज शहर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने शहर की जनता के साथ ज्योति नगर स्थित बिजली मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बिजली बिल कम करने की भी मांग की है। उज्जैन में लगातार बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। इनमें से कई घरों में एक लाइट और पंखे के अलावा कुछ नहीं है। उनके यहाँ भी 50,000 तक का बिल बिजली विभाग द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर आज शहर कांग्रेस और नूरी खान के नेतृत्व में शहरवासियों ने ज्योति नगर स्थित बिजली मुख्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिजली कंपनी द्वारा अपनी मनमर्जी से लोगों के बिजली कनेक्शन को काट दिया जाता है और मनमाने बिल थमा दिए जाते हैं। के विरोध में आज यह प्रदर्शन किया गया है और बिजली बिल कम करने और मीटरों में सुधार करने की मांग की गई है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में जो बिल 100 रुपए आता था, कमलनाथ जी बिजली 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देते थे। और आज शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मेरी लाडली बहनें हैं, 1,000 रुपए दूंगा। तुम लाडली बहनों के नाम पे 1,000 रुपए की घोषणा कर रहे हो और 1,00,000 रुपए के बिजली के बिल उन्हें दे रहे हो। गरीब औरतें वो बिल कैसे भरेंगी? बगैर रीडिंग के बिल दिया जा रहा है, घरों के सामान जब्त किए जा रहे हैं, परीक्षा के समय में लाइट काटी जा रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमने ज्योति नगर विद्युत विभाग का जो कार्यालय है उसका घेराव किया था और हमने यहाँ पर अपनी सारी बात रखी है मुख्य अभियंता को और उन्होंने निराकरण का हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कर्मचारी महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं करेगा। सामान जब्ती के लिए मैंने मनाही करवाई है। जिनके केस लगे हैं, कोर्ट में प्रकरण चल रहे हैं, नोटिस दिले हैं, उनके लिए भी सामंजस्य स्थापित करने की बात यहाँ पर कही गई है और एवरेज मीटर जो है, एवरेज बिल देने का साफ मना किया है हमने। और इन औरतों को जो एक साथ बिल नहीं भर पा रही है, कैंप लगाकर किश्त करके जैसे राहत दी जा सकती है और पूरे बिल माफ़ कराने की लड़ाई मैंने शुरुआत की है और जब तक ये निराकरण नहीं हो जाता ये लड़ाई हम लड़ते हैं। इनके सम्मान्य उपभोक्ता और पार्षद महोदय यहाँ पर आए थे, उनके कुछ बिल एवरेज बिल मिल रहे हैं। उस संबंध में उनका कहना था कि एवरेज बिल हमको नहीं मिले, तो हम हमारे टीम और हमारे कंपनी के सभी अधिकारी लगातार इस प्रयास में हैं कि सभी के यहाँ मीटर लगे, जिससे किसी को भी कोई एवरेज बिल प्राप्त ना हो। और इसमें हमने करीब करीब 98% मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। 2% है वो भी हम मीटर लगाने का काम हमारा चल रहा है, जिससे कि सभी को वास्तविक खपत के बिल जारी होंगे, जिससे इनकी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएगी। और रहा बीच में कहीं थोड़े बहुत इक्के दुक्के मीटर खराब होते रहते, उसके लिए भी हमारी टीम हमेशा सतर्क रहती है। उनके पास मीटर उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि जैसे वो खराब होते हैं, विद इन ए टू वीक मीटर को बदलने जाने का काम किया जाता है, जिससे कि उनको भी आगामी समय में एवरेज बिल ना जाकर वास्तविक खपत के बिल जारी। सर, आपको बी एल चौहान।